गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का टॉपर्स का अड्डा परिवार में, यानी कि आपके अपने एडी ग्रुप में सभी का स्वागत है। तो चलेगा, जल्दी से हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग जैसे जैसे लाइव बनते हो वैसे वीडियो को लाइक भी करते रहेगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करते रहेगा। जय कृष्ण श्री कृष्ण बच्चे, जय श्री कृष्ण। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है हमारे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो हमारी करंट अफेयर की लास्ट टाइम पर एक मैराथन क्लास लगाई थी मैंने, वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चले खंबागढ़ी, हाँ खंबागढ़ी बच्चा, चलो चलेगा। यहाँ पर क्या पूछा गया आपका, शायद हमने बात भी करी थी इस क्वेश्चन पर, कि किस दिग्गज अभिनेत्री को 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। यहां से हम लोग अगर नोट्स तैयार करें तो देखें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कल भी लिखा था आपने, लिख लीजिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के विद्यार्थियों, पुरस्कार ये कब दिया जाता है, ठीक है। तो ये कब से दिया जा रहा है आपका, 1969 से दिया जा रहा है। और 52वां कब दिया गया आपका, 2022 में दिया गया। और ये किसे दिया गया आपका, तो ये दिया गया विद्यार्थियों आपका आशा पारेख को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, तो आशा पारेख को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसे किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये ना आपका 1969 का मतलब क्या है, प्रथम, यानी फर्स्ट जो आपका दिया गया कब दिया गया, तो 1969 में दिया गया था। और बाकी अभी 52वां 2022 में 52वां पुरस्कार दिया गया आपका, ठीक है। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई कि 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार महान अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। समझो विद्यार्थियों, तो देखिए आशा पारेख, देखिए कई सारी, कटी पतंग, तीसरी मंजिल, ठीक है, लव इन टोक्यो जैसी फिल्मों में इन्होंने क्या किया आपका, अभिनय किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सीडीएस आपके कौन होंगे, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया, नए सीडीएस के रूप में, देखिएगा भारत के नए सीडीएस के रूप में, न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया। ऐसा सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या बने आपके नए, समझो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सीडीएस बने हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सरकार ने पूर्व विद्यार्थी पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो रिटायर हो चुके, ठीक है, वो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि देखिएगा भारतीय सेना में या तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं की कमान होती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति होता है तब कौन होता है विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो कौन है, सीडीएस। सीडीएस पद आपका 1 जनवरी को आया था, कब आया था आपका, 1 जनवरी 2020 को। और पहले जो बने थे हमारे वो बिपिन सर बने थे, बिपिन विद्यार्थियों रावत सर, जो पहले प्रथम सीडीएस थे, ये प्रथम विद्यार्थियों सीडीएस थे। सीडीएस की रिटायरमेंट आयु यानी कि इनका कार्यकाल जो होगा वो कौन सी एज तक रहेगा, तो 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे ये। और मैंने बताया भी था आपको ये किसके तहत निर्धारित किया गया, सेना अधिनियम, सेना अधिनियम 1954 के आधार पर ये निर्णय लिया गया आपका कि 65 वर्ष इनकी क्या होगी, रिटायरमेंट आयु होगी, यानी कि से लिख सकते हैं आप लोग रिटायरमेंट, ठीक है ना, रिटायरमेंट आयु क्या होगी, आप मतलब 65 वर्ष होगी।
इसके बाद देखिएगा तीनों सेना आती है आपकी, तीनों सेना प्रमुख यानी कि थल सेना प्रमुख आएंगे, समझो, यानी कि थल सेना प्रमुख आएंगे यहां पर, उसके बाद वायु सेना प्रमुख आएंगे, ठीक है ना, और फिर कौन आएंगे, नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख आएंगे, ठीक है, ये रहेगा आपका कंडीशन। देखिएगा तो अगर मैं बात करूं वर्तमान समय पर थल सेना प्रमुख कौन है, वायु सेना प्रमुख कौन है और नौसेना प्रमुख कौन है, इन तीनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, चाहे वॉर टाइम हो चाहे पीस टाइम हो, तो व्यक्ति कौन होगा विद्यार्थी, आपका सीडीएस होगा, और सीडीएस से ऊपर कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और वो आप जानते हो कि 1 जनवरी 2020 को ये सीडीएस पद, यानी कि सीडीएस का मतलब है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऐसा सवाल हमें पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 साल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में यह व्यवस्था दी गई है और कहा गया कि आपका भारत सरकार को जो लीगल, भारत सरकार को क्या देगा, भारत सरकार को विद्यार्थियों किस संबंध में, तो ध्यान दीजिएगा किस संबंध में विद्यार्थी आपका, तो याद रखिएगा न्यायिक संबंध में, जो सलाह देगा या भारत सरकार सलाह मांगे, किसे मांगेगी, महान्यायवादी से, ठीक है। तो किसे बनाएगी आपका, आर वेंकट मणि विद्यार्थियों, ठीक है, आर विद्यार्थी आपका क्या आएगा, वेंकट रमन, ठीक है, जो भारत के पह क्या बने अभी, और इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के तहत, ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी, जो अभी 3 साल के लिए, 3 साल की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है ना, वेंकटा विद्यार्थी रमणी करके, ठीक है, आर वेंकटा रमन जो भारत के एडवोकेट, मुकुल रोहतगी नहीं बने, मुकुल रोहतगी नहीं बने। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2021 के लिए दिया गया, तो हमारे पास किसको दिया गया विद्यार्थी, आपका कुमार शानू को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपका, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया गया आपका, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, ठीक है। चलिए पार्श्व गायिका विद्यार्थी, देखिए पार्श्व गायक आपका कुमार शानू और शैलेंद्र सिंह और संगीत विद्यार्थी, संगीत का जोड़ी आनंद मिलन को इंदौर में उनके जन्म स्थान पर लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुमार शानू, ध्यान देना, ठीक है ना, किसे, अच्छा इसमें क्या था आपका, कुमार शानू को दिया गया, ठीक है ना, पार्श्व गायक विद्यार्थी कुमार शानू और शैलेंद्र सिंह और संगीत, संगीतकार जोड़ी आनंद मिलंद, ठीक है, को इंदौर में उनके जन्म स्थान पर विद्यार्थियों दिवंगत गायक की जयंती पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहां तो देखिएगा कुमार सानू को भी मिला है पुरस्कार, शैलेंद्र सिंह को मिला है, ठीक है, आनंद और मिलंद को भी विद्यार्थियों इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, देखिएगा। चार लोगों को दिया गया, देखिए क्वेश्चन गलत था आपका, क्वेश्चन गलत था विद्यार्थी, ठीक है, यानी कि 4 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो 4 कौन-कौन है, तो कुमार शानू को भी दिया गया, ठीक है, किसे दिया गया आपका, कुमार शानू को भी दिया गया, उसके बाद आपका शैलेंद्र सिंह को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संगीतकार विद्यार्थियों किसे, आनंद, आनंद मिलंद को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, तो यहां से
हमारे पास जो क्वेश्चन था आपका वो आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये दो तो पहले, इन दोनों को तो मिला ही है, इन दोनों को मिला ही है विद्यार्थियों, ठीक है। इन दोनों को आपका इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कुमार शानू और शैलेन सिंह दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, चलेगा। अच्छा 2021 के लिए कहा गया आपका, 2021 के लिए किसे दिया गया आपका ये? सर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि किसे नहीं मिला तो उसमें आनंद मिलन, हाँ किसे नहीं मिला, यहां पर दे दिया ना, वर्ष 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तब सही आएगा, तब हमारा ए आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तब हमारा ए आंसर आएगा, किसे नहीं मिला तब आएगा आपका, ठीक है। वो गलती से लिख लिया क्वेश्चन, चलेगा, नींद में लिखा होगा ना, नींद में क्वेश्चन टाइप हो गया। ध्यान दीजिएगा, लता शूरगाथा, यानी बुक का टाइटल क्या है विद्यार्थियों? लता, लता क्या इसका बुक का टाइटल है, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा आपका, शूरगाथा, शूरगाथा, ठीक है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई आपकी? तो ये लिखी गई ईरा पांडे के द्वारा लिखी गई बुक है। किसके द्वारा लिखी गई? ईरा पांडे के द्वारा लिखी गई बुक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? फर्स्ट यूरोपियन, फर्स्ट विद्यार्थियों यूरोपियन जो आपका महिला बनी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो आपका स्पेस स्टेशन है, तो याद रखिएगा कौन है, सामंता विद्यार्थियों क्रिस्टोफरी, अन्या किरीना या येलना सेरवा, सेरवा या जोहाना विद्यार्थियों में, तो यहां ध्यान दीजिएगा आपका इटली की सामंता विद्यार्थियों क्रिस्टो फेरोटी, ठीक है ना, क्रिस्टो फेरोटी जिन्होंने अंतरिक्ष से लाइव प्रसारण के दौरान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये कौन है विद्यार्थियों? सामंता क्रिस्टो फॉरेस्टी, ठीक है ना, फॉरेटी, जो कि इटली कंट्री को बिलोंग करती है, कोयंबटूर में साउथ जोन को हराकर बेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी, देखिएगा दिलीप ट्रॉफी 2022 जीती, 2022 किससे संबंधित आपका, सॉरी दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित, हमारी क्रिकेट से संबंधित है ना, आपसे पूछा गया विद्यार्थियों, जो दिलीप ट्रॉफी जीती आपका वो किसने जीता, तो ये आपका जीता है कोयंबटूर में साउथ जोन को हराकर वेस्ट जोन ने जीता। तो पश्चिमी क्षेत्र के कप्तान कौन थे? तो पश्चिमी क्षेत्र के जो कप्तान थे वो कौन थे? अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने वेस्टर्न क्षेत्र का क्या करा आपका, अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे ने विद्यार्थी आपका वेस्ट जोन का नेतृत्व किया है, ठीक है, चलेगा। अब चलते हम लोग अपने सीधा कहां की ओर, मंत्रा सीरीज की ओर, ये हमारा रिवीजन सीरीज है, यानी कि यहां से आपके सवाल आपको मंत्रा विद्यार्थियों, देखिएगा हमने पूर्ण रूप से 6 मंथ की यानी 6 माह की मैगजीन भी तैयार कर दी, बस उसी पे काम कर रहे थे, आपका तैयार हो चुकी है पूर्ण रूप से, आप देखिएगा आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी से ही, ठीक है ना, चलेगा। तो देखिए वो उसमें पूरे मंत्रा सीरीज के आपके सवाल हैं, वो बन के तैयार हो गया आपका, ठीक है, चलिए। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए आपको दिया गया विद्यार्थियों सवाल पूछा गया कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ है, कल भी मैंने आपको कॉमनवेल्थ से काफी सवाल पूछे थे। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 2022 में भारत ने टोटल नंबर ऑफ एथलीट कितने भेजे थे? आज के लिए आपका सवाल है विद्यार्थियों, यानी कि भारत ने टोटल कितने एथलीटों को यहां भेजा था, कहां पर? कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में आप लोगों ने बताया कि इनमें से गोल्ड हमें 22 लोगों ने दिलाया, सिल्वर मेडल हमें विद्यार्थियों 16 ने दिलाया और ब्रॉन्ज मेडल हमें 23 लोगों ने दिलाया, तो ये तो आपने बताया था, ठीक है, चलेगा। एल्गोस विद्यार्थी पॉल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल में गोल्ड जीता? 22 में से एक गोल्ड इन्होंने भी जिताया और वो किसमें जिताया आपका, ट्रिपल जंप में, किसमें जिताया विद्यार्थी आपका, ट्रिपल जंप में जिताया, ठीक है, चलेगा।
बर्मिंगहम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में भारत के लिए डबल विद्यार्थी देखेगा, यानी कि एल्गोस पॉल और अब्दुल्ला अबुगा ने क्रम सौ स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। महान भारतीय शतरंज खिलाड़ी यानी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे फिडे क्या आपका इंटरनेशनल देखिएगा चेस फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिडे का मुख्यालय कहां पर है? हमने कई बार आपसे बात करी कि फिडे बना कब, ठीक है, फिडे का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये क्या काम करता है आपका? तो फिडे का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? लोसाने के अंदर है। फिडे का हेडक्वार्टर आपका लोसाने यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर है आपका, लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। अब ये सवाल इसलिए पूछा गया आपका क्यों आप जानते हो कि जो फिडे ओलंपियाड का आयोजन हुआ यानी कौन सा 44वां, उसे चेन्नई के द्वारा होस्ट किया गया। चेन्नई कब आपका? 2022 में, 2022 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अनुरानी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो किस खेल में जीता है? ठीक है, जो आपके ब्रॉन्ज मेडल थे उनकी संख्या कितनी थी? 23। उन 23 में से एक किसने दिलाया आपको? अनुरानी ने दिलाया। ठीक है, तो अनुरानी किस खेल से संबंधित हैं? तो अनुरानी आपका किसे? जैवलिन थ्रो से, भाला फेंक से। अनुरानी ने भाला फेंक में हमें पदक दिलाया। ठीक है, तो कौन सा देखिए किस खेल से आपका? जेवलिन थ्रो से। देखिएगा भारत की अनुरानी ने बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाला फेंक में महिलाओं को देखिएगा विद्यार्थियों आपका फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, अगला सवाल। किदांबी श्रीकांत का नाम हम लोग जानते हैं, किदांबी श्रीकांत यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। भारत को कौन सा मेडल दिलाया विद्यार्थी आपका? ब्रॉन्ज। 23 में से एक इन्होंने दिलाया, तो यानी कि आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो किस खेल में दिलाया इन्होंने? तो इन्होंने दिलाया आपका बैडमिंटन से, यानी कि किदांबी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है आपका? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ये बैडमिंटन से जुड़े हुए किदांबी श्रीकांत किससे आपके? बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला देखिएगा आपका, शरत कमल और श्रीजा विद्यार्थी अंकुला ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल में भारत के लिए मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता? सवाल देखिएगा आपका, शरत कमल और श्रीजा अंकुला ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल में भारत के लिए मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता आपका किसमें? टेबल टेनिस में। किसमें जीता बच्चे आपका? टेबल टेनिस में। तो आपको शरत कमल और सृजा अंकुला का नाम याद रखना है, टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, देखिए भारत ने टेबल टेनिस विद्यार्थियों स्टार अंशदा विद्यार्थियों शरत कमल और सृजा अंकुला ने बर्मिंगहम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में टेबल टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता। चलेगा भारत पीवी सिंधु देखिएगा, भारत की पीवी सिंधु ने बर्मिंगहम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता आप जानते हो, तो पीवी सिंधु ने फाइनल में किसे हराया? पीवी सिंधु देखिएगा बर्मिंगहम में, देखिए बर्मिंगहम राष्ट्रमंडल खेलों में हमें बैडमिंटन में क्या मिला आपका? स्वर्ण पदक मिला, और किसने दिलाया आपका? तो यहां पर फीमेल सिंगल में पीवी सिंधु ने, तो इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? मिसेल ली को हराया था। किसे हराया था? मिसेल ली को, पीवी सिंधु के द्वारा मिशेल ली को हराया गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल में फाइनल में क्या जीता आपका? स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु किससे आपके? बैडमिंटन से। इन्होंने यहां पर हमें गोल्ड दिलाया कॉमनवेल्थ में किसे हराकर? तो मिशेल ली को हराकर। चलिए वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, जैसे जैसे आप लोग लाइव बनते हो। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के तौर पर जो बने थे हमारे कौन बने? वी प्रवन।
ठीक है ना प्रणव, वी प्रणव क्या बने आपके 75वें ग्रैंड मास्टर ने शतरंज से संबंधित, ठीक है चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, हमारे पास पूछा गया आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है। सवाल है हमारे पास क्या दिया गया कि बढ़े चलो कैंपेन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आपका शुरू किया गया था, तो किसने शुरू किया था ये आपका, तो ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। समझो किसके द्वारा आपका, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। युवाओं में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान शुरू किया और देश और देश के युवाओं और लोगों को जोड़ने का, एक साथ लाने के लिए इसे शुरू किया गया था, ठीक है चलेगा। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 kg मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। देखिएगा महिलाओं की 50 kg देखिएगा मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जीता है आपका, तो ये जीता है किसने, निखत विद्यार्थी, ठीक है निखत जरीन ने, किसमें महिला, देखिए ये 50 kg आपका मुक्केबाजी में इन्होंने क्या दिलाया आपका, स्वर्ण पदक दिला, ठीक है भारत को गोल्ड, 22 गोल्ड में से एक गोल्ड इन्होंने भी दिला, ठीक है निखत जरीन। आपको ध्यान रखना है निखत जरीन, निखत जरीन किस खेल संबंधित आपके, तो ये मुक्केबाजी से, किससे संबंधित आपका विद्यार्थी हो, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने हमें बॉक्सिंग में, किसमें दिलाया आपका, बॉक्सिंग में निखत जरीन, ठीक है ना क्या दिलाया आपका, गोल्ड जीता कहां पर, CWG 2022 में, ठीक है किसने, तो निखत जरीन ने। अगला सवाल देखिएगा, हिरोशिमा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हिरोशिमा मैंने आपको यह भी साथ में लिखाया होगा कि हिरोशिमा जापान, समझे हिरोशिमा विद्यार्थियों, जापान का स्थान है जहां पर 6 अगस्त 1945 को क्या किया गया था आपका, अमेरिका के द्वारा जो बमबारी की गई थी, यानी कि पहली बार जो परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया आपका, तो हिरोशिमा, उसके बाद दूसरा नागासाकी में, तो हिरोशिमा कौन से आइलैंड में आता है आपका, हिरोशिमा जो जापान के अंदर आपका ये कौन से आइलैंड में है, ये कौन से आइलैंड पर, कौन से द्वीप पर है, ये आपका होकिडो द्वीप पर है, क्यूसू द्वीप पर है या सिकाकू द्वीप पर है, समझे मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया भी होगा हिरोशिमा कौन से द्वीप पर है, ठीक है ना होकाइडो क्यूसू ये आपका चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष देखिएगा 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि द्वितीय युद्ध की समाप्ति 1945 में जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बाद ही हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, भारत ने बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ 2022 में लॉन बाउल विद्यार्थी इवेंट में अपना दूसरा पदक जीता, तो पुरुषों के विद्यार्थियों टीम ने फाइनल में हरा कर, देखिएगा हार कर, अच्छा किस टीम से हारे, तो ये उत्तरी आयरलैंड से हारे, नॉर्थ आयरलैंड से हारकर यहां पर भारत को कौन सा पदक मिला आपका, फाइनल में भारत किससे हार गया, यानी उत्तरी आयरलैंड से, उत्तरी आयरलैंड आपका विनर रहा और हम लोग क्या रहे आपके, रनर अप रहे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, क्या दे रहा है, नीतू घंघास, नीतू घंघास ने किस आयोजन में बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए गोल्ड, यानी कि 22 में से एक गोल्ड किसने दिलाया आपका, तो नीतू घंघास ने जीता है, ठीक है ना नीतू, देखिएगा घंघास ने जीता है, ठीक है नीतू घंघास। अब देखिए ये स्वर्ण पदक जीता तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा, बॉक्सिंग में दिलाया, ध्यान दीजिएगा बॉक्सिंग में नीतू गंगास ने किसमें दिलाया विद्यार्थियों, बॉक्सिंग में, CWC 2022 में बर्मिंगहम के अंदर थे।
विमलेश राठौर बच्चा कह रहे कि सर हम जनवरी से ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं। ओके बच्चा बहुत बढ़िया। और यूपीपीएससी का के लिए इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ है, बहुत बढ़िया, चलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो चलिए चलेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फाइनल में इंग्लैंड के डैमेजर विद्यार्थी नीतू, ठीक है ना, इन्होंने हराया। और नेक्स्ट देखिएगा आपका अगला सवाल, अगला सवाल, भारत के संदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के विद्यार्थियों रेस वॉक में किस श्रेणी में कॉमनवेल्थ पदक जीते के आपका जीता था? तो ये 10,000 मीटर में, समझो 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर आएगा ना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अब हमारा कौन सा आ गया, संजीवनी। संजीवनी का मतलब होगा आपका रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। चलिए एक सवाल है मेरा, और ये सवाल मेरा नहीं था, कल हमारे अभी ऑफलाइन स्टूडेंट भी होंगे, इवनिंग का समय है, इवनिंग का समय था, यानी कि ऑफलाइन क्लास मेरी 7:30 बजे से चलती है, एक 10 बजे तक चलती है। तो सवाल था दो तीन बच्चों का कि सर जैसे किताब खोलते हैं तो नींद आ जाती है ना, जैसे किताब खोलते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो अब तो किताब खोलने का जमाना भी गया, किताब कम ही खुलती है, ज्यादा से ज्यादा क्लास तो हमारी किस में रहता है आपका, ऑनलाइन ही क्लास रहती है ना, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर, प्रैक्टिस के लिए आप लोग, या तो कोई ऐप अगर डाउनलोड कर रखा होगा तो वहां पर क्विज वगैरह कर रहे होंगे, या टेलीग्राम पर क्विज कर रहे होंगे। अब तो किताब कम खुलती है, ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल फोन ही खुलता है ना, या फिर आप लोग अपने पीसी पर बैठे रहते हैं, ऐसा किस किस के साथ है? अच्छा ऐसा भी होता है कि देखिएगा, ठीक है ना, फिर तो क्या दिक्कत है, हाँ बोल दीजिएगा। अब देखिए कुछ सोच कर ही तो आए होंगे, और घर वालों ने कुछ सोच कर ही तो करा होगा। अब देखिए कुछ निर्णय आपके अपने होते हैं, कुछ निर्णय आपके विद्यार्थियों घर वालों की तरफ से होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग राहुल सिंह बच्चे, गुड मॉर्निंग। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। अब यार देखिए पढ़ाई से अलावा अभी मॉर्निंग में ना मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, अभी अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, बस अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। हाँ आनी भी नहीं चाहिए बच्चे, नींद तो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक अपने को सिलेक्शन नहीं हुआ ना तब तक तो नींद आनी भी नहीं चाहिए, तब तक तो नींद आनी भी नहीं चाहिए, जब तक अभी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो अपने को नींद तो आनी भी नहीं चाहिए, चलेगा। जब जिसको नींद आती है ना, तो जो सबसे आपको लगता है कि मेरा सबसे बेहतर सब्जेक्ट है, जो आपका सबसे बेहतर सब्जेक्ट है ना, अब जैसे हमें अगर नींद आएगी तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग पढ़ना शुरू, रीजनिंग पर अभ्यास करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग क्या होगा, उलझाएगा, मुझे पता है उसने उलझाना है। और उस सवाल देखिएगा, राधा के बगल पर सीमा बैठी है, सीमा के बगल पर मीना बैठी है, इधर को गई मीना उधर को गई रीना, और इसके बीच में कौन है, टोटल संख्या कितनी है, पता है, बस पता है हमारा। देखिएगा हम जो भारतीय लोग है ना, हमें ठीक रहता है इस तरह के सवाल अपने रीजनिंग में अगर आगे, तो दो चार, मुझे बताया कि 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे और अपनी नींद भी गायब हो जाएगी। वैसे तो पहले ऐसी स्थिति आती नहीं कि नींद आएगी, अगर सो जाऊंगा तो आप कंटेंट रेडी कहां से होगा फिर, तो हमारे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ठीक है भाई, सो जाओ फिर तो, लेकिन मैं इस तरह के सवाल को देख लेता था, ठीक है ना, कि किधर रीना है, किधर मीना है, किधर सीमा है, ठीक है सवाल कर दीजिए, चलेगा। चले आगे देखेंगे हम लोग, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हम जानते हैं मेरे विद्यार्थियों, G20, G20, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर वो बैठी क्यों है, और बच्चा एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि बाबू इस समय लोग घर पे खाना खा रहे हैं और आप हो इस एग्जाम हॉल में क्यों बैठे हो, ऐसा सवाल पूछता है कभी एग्जामिनर आपसे? चलिए G20,
G20 सम्मेलन आपका 2021 से जान लीजिएगा, 2022 से जान लीजिएगा, 2023 से जान लीजिएगा, ठीक है। 2021 में कहां पर हुआ मेरे बच्चा? तो 2021 में इसका आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था? इटली में। कई बार बता चुका हूं, गलती मत करना, ये होगा आपका इंडोनेशिया में और ये होगा इंडिया में। ये कहां पर होगा बच्चा आपका? इंडिया में। 23 में कहां पर होगा? इंडिया में। चलेगा, अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर क्या दिया विद्यार्थी आपके? अष्टांग योग। अष्टांग योगा ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी थी आपके किसने? सोनू विद्यार्थियों, फोगट के द्वारा लिखी गई बुक है अष्टांग योग, जो लिखी गई थी आपके। तो ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये लिखी गई अष्टांग योग, अष्टांग योग लिखी गई आपका, तो किसके द्वारा लिखी है? सोनू फोगट के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, आप सब लोग जितने भी हमारे विद्यार्थियों पी अभी YouTube के अंदर जो बच्चे कमेंट्स करते हैं, सब इंटेलिजेंस ब्यूरो से खबरें उनके पास बहुत सारी होती है, समझो, उन्हें तो खबर ही कहेंगे। चलेगा, देखिएगा, तपन कुमार डे का, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना, तपन कुमार डे का को। अगला सवाल देखिए, यहां पूछा गया आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम विद्यार्थी आपका क्या है? एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। अब इसने क्या करा आपका, यानी कि आपसे पूछा गया आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र में, तो ये MSME अवार्ड 2022 में किस राज्य को दिया गया? तो ये दिया गया हमारे, यहाँ पर उतार लिखा विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा आपका? ओडिशा को दिया गया। ओडिशा, तो आप लोग हर दिन ओडिशा घूम के आते हो, यानी कि ओडिशा के CM और ओडिशा के गवर्नर से आप हमेशा मिलते आ रहे हो, तो आप जानते हो कि ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक यहाँ के CM हो गए, जबकि गवर्नर यहाँ के राज्यपाल कौन है आपके? तो गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान समय पर गवर्नर हैं। अगला सवाल देखेगा, भारतीय ओलंपिक संघ के IOA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? इससे पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, IOC हुआ करता था। ये IOC कब बना था आपका? 1924 में। अब इसके काम को देखते हुए इसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया, कब आपका? 1927 में, 1927 में, ठीक है। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा के स्थान पर अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया। किसे किया गया आपका? अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया, ठीक है। चल, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बना जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलता है, यानी कि हाइड्रो और सोलर पावर से चल रहा है विद्यार्थियों? हाइड्रो और किसका आपका? सोलर पावर से, और कोई पावर भी होती है? चलेगा, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर हमारा? ये न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां पर आपका ये? तो ये आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री यानी कि जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिगमया, ज्योतिगमया उत्सव का उद्घाटन किया था? यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा ज्योतिगमया विद्यार्थियों ये उत्सव का उद्घाटन किया गया, कहां पर आपका? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया? नई दिल्ली। चलेगा, पूछा गया आपके सामने कि GSAT-24, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना आपका, बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय हो गया, और आपसे क्या पूछ रहा है, इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथ इसके क्या हैं? हेड है विद्यार्थियों, ठीक है। और इसका
आंसर क्या आएगा आपका? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना सर कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो बता देते आपको, ये आएगा हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? NIA नेशनल, देखिएगा किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड के रूप में चलेगा, तो याद रखिएगा दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट सवाल, साओ कौन सा बच्चा आपका? साओ, और दूसरा क्या है? जाओ। जाओ, साओ और जाओ दोनों, देखिएगा ये उत्सव के मनाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा साओ जाओ के लिए। तो जो वो दिख रहा है ना, ये गोवा ही जाओ इसके लिए, यहाँ विद्यार्थियों गोवा में दिख रहा है ना वो ऑप्शन क्या, ठीक है गोवा। अब गोवा राज्य की अगर बात की जाए तो गोवा के सीएम कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है? आजकल सीएम आपको पूछा, आज हमने गवर्नर भी पूछ दिया। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है और गवर्नर कौन है? पी श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना, पी श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। हाँ जाओ जाओ गोवा घूम के आओ, बिल्कुल सही कहा आपने, जाओ जाओ गोवा घूम के आओ, चलेगा। गोवा के नाम लेते ही देखिएगा खुश हो गए सबके सब, चलेगा अच्छी बात है, घूमने के लिए पूरा मौका मिलेगा आपको, एक बार सिलेक्शन ले लीजिएगा। अब सिलेक्शन के बाद ऐसी जिम्मेदारियां आएगी आपको ना, आपको पता है हमने आपसे कई बार कहा है कि फल देखिएगा उतना मीठा हो ना हो लेकिन सफर ज्यादा सुहाना होता है। हम लोग देखिएगा सफर ज्यादा सुहाना होता है, ये प्रभु फ्यूचर जेई, बहुत बढ़िया भविष्य के जेई मेरे विद्यार्थी, जो ख्याली सपने है ना, ये पकोड़े है ना, लड्डू है ना, इनको अभी थोड़ा किनारे रख लीजिएगा। सुबह सुबह विद्यार्थी अपने करेक्टर से थोड़ा बाहर आ जाएगा और आप क्या हो, प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, कहाँ भटक गई आपकी बुद्धि। ये सुबह मॉर्निंग का समय है, कोशिश करिएगा, चलो ठीक है, इंटरटेनमेंट भी अपनी जगह पर अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए, एक दूसरे को इंटरटेन तो करना चाहिए, लेकिन सोचिएगा कि सुबह के 5:30 बजे और आपको कहा जाएगा कि भर भर के रसगुल्ले खा लो बाबू, है ना, उसमें तैर के आ जाओ, खा लोगे क्या अभी अभी? तो कहाँ, कौन सी दिशा में जा रहे हो, अभी थोड़ी सही दिशा में आ जाओ। वैसे मैं कमेंट्स की तरफ ध्यान देता नहीं, और कमेंट्स दिखता भी तो वही वाले, वो कमेंट्स की बस शादी करनी, अरे बाबू अभी तो हमें पहले नौकरी लगनी है, शादी तो नहीं तो वो करा देगा, क्या कहते हैं आपके, जब एग्जाम हो समय पे नहीं होगा तो वो तो होनी होनी है, उसने तो होनी होनी है सर। ये अच्छा, कोसली बच्चे भोपाल जाना है, बहुत बड़े, मैं समझ गया कौन हो तुम। भोपाल जाना है तुम्हें, चलो जा रहा हूँ मैं, दीपावली में जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ जो चलना चाहता है चल लीजिएगा। श्याम शरण, देखिएगा श्याम शरण, अगला सवाल देखिएगा, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 में, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 में, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? विजय अमृतराज, देखिएगा विजय अमृतराज, ठीक है ना, किसे किसे नहीं आ गया आपका? विजय अमृतराज। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, अगला सवाल सीबीडीटी, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए अध्यक्ष के रूप में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष चेंज हुए, ठीक है, संजीव कौशिक है, जेबी महापात्र है, विद्यार्थियों संगीता सिंह है या नितिन गुप्ता है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं, चलिए ठीक है ना, विजय, ध्यान दीजिएगा आपका सीबीडीटी के नितिन गुप्ता, देखिएगा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ये नियुक्ति वाले क्या होते हैं ना, हर दूसरे दिन में बदल जाते हैं। अभी मैं बच्चों को 2-3 दिन से चिल्ला रहा था कि देखिए मुकुल रोहतगी भारत के अटोर्नी जनरल बन रहे, और बच्चे ने याद कर लिया, और सोचो कि वो मेरी क्लास में
ठीक 10 दिन बाद पहुंचेगा, और मैंने अगर उनसे बता दिया कि मुकुल रोहतगी नहीं है, तो वो देखिएगा, आपको पता है कि सर आपने कुछ दिन पहले तो ये बताया था, क्योंकि ये चीजें नियुक्ति वाली जो चीजें हैं ना, ये हर दूसरे तीसरे दिन में कभी बदल सकती है। जिसने हमारे अनुरूप काम किया तो वह पद पर बना रहेगा, जिसने नहीं किया तो ट्रांसफर करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे उसे, है ना। चलेगा, अगला सवाल देखिएगा आपका। तो भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार की मेजबानी की गई, तो राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय ने शुरू किया था? शायद हमने बताया भी था आपको ये पॉलिसी के बारे में, LN, ठीक है ना, नेशनल विद्यार्थी लॉजिस्टिक एक्सलेंस अवार्ड, जो किस मंत्रालय के द्वारा आपका, तो मंत्रालय था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ विद्यार्थियों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य ने रणजी क्रिकेट टीम में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? देखिएगा, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है हमारी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, सब लोग जानते हैं। और पहली बार इसे किसने जीता, तो इसने जीता विद्यार्थियों किसने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। जब हम लोग मध्य प्रदेश जाएंगे तो यहाँ कुछ नेशनल पार्क भी घूम के आएंगे फिर, जैसे कि आपका कान्हा नेशनल पार्क, हम समझो विद्यार्थियों, जैसे कि आपका कूनो नेशनल पार्क, ये भी इसी राज्य में है। उसी तरह से आपका पन्ना नेशनल पार्क, ये भी हमारे इसी राज्य में, पन्ना भी है ना यहाँ पर, और कौन कौन सा है, वन विहार नेशनल पार्क भी यहाँ पर, वन विहार है। पंचमणी, पंचमणी जाएंगे घूमने, चलो पंचमणी ले जाएंगे आपको घूमने, मैंने भी नहीं देखा है यहाँ। चलेगा पंचमणी, पंचमणी देखिएगा ये भी कहाँ पर है। चले हाँ, सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क जाना है, कूनो नेशनल पार्क जाना सबसे पहले। आगे देखिएगा, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किस व्यक्ति का नियुक्ति किया गया विद्यार्थी? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि योजना आयोग के, इसने क्या करा, रिप्लेस करा, योजना आयोग के स्थान पर आया, योजना आयोग के स्थान पर कौन आया आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आया, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछा गया कौन बने, परमेश्वरन अय्यर बने हैं, परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ था आपका, तो ये 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को। चलेगा, अगला सवाल देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? मैंने आपको कई बार बताया विद्यार्थियों कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है भारत में, तो ये है आपके 24। और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है आपका, सेबी, सेबी का मतलब क्या आएगा आपका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, सेबी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, एसएस मुंद्रा, एसएस मुंद्रा, ठीक है ना, एसएस मुंद्रा। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला सवाल, अगला सवाल, ट्रांस विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 21वां जो एडिशन हुआ, तो किस देश में आयोजित किया गया था, तो रोमानिया, कहां पर किया गया था आपका, रोमानिया में, रोमानिया में इसे आयोजित किया गया था, रोमानिया के अंदर। चलेगा, भारतीय साइक्लिस्ट का नाम बताएं जिसने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया है, तो ये किसने जीता आपका, ये जीता आपका किसने, ये है आपका रोनाल्डो सिंह, रोनाल्डो सिंह भारतीय है। चलो भाई, भारतीय तो अच्छी बात है। साइकिलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेलोड्रम, वेलोड्रम विद्यार्थी आपका किससे जुड़ा हुआ है, साइकिलिंग से, जैसे डायमंड, डायमंड किससे संबंधित आपका, ये है बेसबॉल से, डायमंड आपका बेसबॉल से संबंधित है, ठीक है ना।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, सिमरनजीत कौर भारतीय महिला रिकवर टीम तीरंदाजी विश्व कप स्टेज थर्ड में रजत पदक जीता इन्होंने, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये कप किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर, कहां पर, यूएसए में। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, द लाइफ एंड विद्यार्थी टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस विद्यार्थी, ये केंद्रीय कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो ये जो लिखी गई आपका राहुल विद्यार्थियों राम गुणम के द्वारा लिखी गई बुक है, द लाइफ ऑफ द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, चलिए, टाटा पावर द्वारा सोलर, देखिए टाटा पावर सोलर द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशन इन द टाटा पावर विद्यार्थियों सोलर। ठीक है, तो कहां पर की गई आपकी ये, तो ये की गई केरल राज्य के अंदर, कहां पर की गई आपका, केरल राज्य के अंदर। जब आप लोग केरला जाओगे, क्यों जाओगे, घूमने के लिए जाओ, चलेगा केरला, सबसे पहले तो अपना कैपिटल कहां पर है, तो त्रिवनंतपुरम, त्रिवनंतपुरम, ठीक है, त्रिवनंतपुरम इसकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। और यहां पर अगर आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो पेरियार, पेरियार डैम भी आपका, ठीक है ना, उसके साथ साथ आपका इडुकी, इडुकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, पेरियार है, ये सभी हमारे कहां पर, केरल राज्य के अंदर आपका। ठीक है, चलिए, जितने भी देखिएगा महत्वपूर्ण सवाल थे आपके, तो ये रखे थे हमने आज। अब ध्यान रखना, कल हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहली क्लास में जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, अप्रैल तक के करंट अफेयर को कंप्लीट पढ़ा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कल हम लोग देखिएगा क्लास रखेंगे आपकी मैराथन क्लास, कल सुबह मैराथन क्लास रखेंगे आपकी करंट अफेयर की। ठीक है, तो मैं समय सेट कर लूंगा आपका कि समय कौन सा रहेगा, समय देख लेंगे आपका कौन सा रहेगा, ठीक है, चर्चा करके, और समय आप लोगों को मिल जाएगा शेड्यूल होके। ठीक है, आप लोग तैयार हैं तो कल हम लोग एक लंबी क्लास रख लेते हैं करंट अफेयर की, सुबह 5 बजे नहीं करेंगे ना, 5-6 बजे नहीं करेंगे, 5-6 बजे नहीं रखेंगे, रखेंगे आपका लेट में रखेंगे, 8-9 बजे तक रखेंगे, 8-9 बजे तक शेड्यूल मिल जाएगा आपको, टॉपर्स का अड्डा पर ही मिलेगा शेड्यूल आपको, चलेगा। तो सभी बच्चे जितने भी यहां पर उपस्थित है, अब अपने सवाल पूछते रहेगा, जो जो सवाल आपके पास है, जो जो आपके पास विद्यार्थियों सवाल है, सवालों को आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैगजीन आपका अगस्त मंथ तक का कंप्लीट मिल चुका है, अगस्त तक की विद्यार्थियों हमने पत्रिका आपको दे दी, जितना हमसे हो सकता है देखिएगा, हमने हर संभव कोशिश करी है, क्विज भी आपको डेली करा रहे हैं, 8 बजे के पहले ही रखना, 8 बजे से पहले रखना, उससे बाद नहीं रखना है, 5 बजे से ही शुरू करना है, 5:30 से 8 बजे तक। चलो देखते हैं आपका समय, देखेंगे बच्चे समय, टाइमिंग देख लेंगे आपका क्या रहेगा। ठीक है, टाइमिंग देख लेंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी होती है ना, तो ऑफलाइन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, कि ऑफलाइन के हिसाब से। सर टाइमिंग कब चेंज होगा क्लास का, अभी तो कोई प्लान नहीं है, वैसे मैं 6 बजे रखूंगा क्लास को, मंडे से, सोमवार से 6 बजे, फिर 6 से 7 हमारी करंट अफेयर की हो जाएगी, और 7 से 8 हमारी दूसरी क्लास होती है वो रह जाएगी। ठीक है ना, क्लास को 5 बजे से शुरू करिएगा, चलेगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। सोबित बच्चा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं, हमारा नंबर तो है ना आपके पास, चलिए मैसेज कर, अंगद बच्चा हमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बताया भी था आप लोगों को। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी लोग इसी तरह से हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोगों ने करना नहीं, लाइक तो कर दिया आपने, लेकिन शेयर नहीं करते आप लोग,
इसीलिए तो आप कहते कि सर आपने हमसे नाराज क्यों हो? नाराज इसलिए होंगे, देखिए डेली सुबह आपके बीच में आते हैं और आप लोग अपने दोस्तों के साथ कभी क्लास को शेयर नहीं करते, कभी कोशिश ही नहीं करी। कहते कि सर हमने शेयर किया, कोशिश नहीं करी, एक दो बच्चों के अलावा किसी तीसरे ने कभी कोशिश ही नहीं करी, तो कोशिश करिएगा। चलिए बच्चे आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, धन्यवाद।